अगर थंबनेल देखकर आप इस वीडियो में आए हैं ना, तो पक्का आपको भी छोटे मोटे DIY बनाने का शौक जरूर होगा। अगर आपको शौक है तो ये वाले लस्सी के ना कुल्हड़ आपने पक्का संभाल के रखे होंगे कि इसका कुछ यूज करेंगे। तो इन्हीं का आज 5 तरीके से हम यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इनको यूज करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं DIY मैजिक। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम, एंड अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके के सस्ते सुंदर टिकाऊ DIY मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, वो भी सिर्फ वेस्ट मटेरियल से। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरीके की जब मैं सस्ती सुंदर टिकाऊ और बहुत ज़्यादा ईजी DIY लेके आऊँ ना, तो आपकी नोटिफिकेशन की घंटी सबसे पहले बज जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये बहुत सारे कुल्हड़, और जितना हो सकता था मैंने उतने साफ कर लिए, क्योंकि किसी किसी में तो ना बहुत दिन तक रखने पे बहुत ज़्यादा फंगस भी लग जाती है। तो अब मैं कर लूँगी इसमें वाइट एक्रेलिक कलर। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं ना, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वाइट है मेरा फेवरेट कलर, ज़्यादातर मैं ना वाइट करना पसंद करती हूँ। तो अगेन इसमें भी वाइट कलर कर लिया, और अब ऐसे रैंडम से पैटर्न बनाएंगे ब्लैक से। ये एक्चुअली सोचा तो मैंने कुछ बादल जैसे बनाने का था, लेकिन ये कुछ और ही बन गया। बट एनीवेज आप कुछ भी बना सकते हैं, इतना परफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये हर पैटर्न में अच्छा लगता है। तो इस तरीके के कुछ, अब शायद ये थोड़ा थोड़ा बादल का शेप बन रहा है, तो बस इतना सा करना है और ये बन गया क्यूट सा DIY। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि नेक्स्ट के लिए भी मैंने वाइट कर लिया है कुल्हड़ को पेंट। 2-3 कोट लगते हैं इसमें। अब मैं बना लूँगी सिंपल से इसमें ट्रायंगल। तो ट्रायंगल शेप बना रही हूँ इस तरीके का। अगर आपने मेरा पहले भी ऑर्गेनाइज़र के मैंने ना वीडियोस डाले थे, तो उसमें भी सिंपल से पैटर्न से मैंने बनाया था, बट वो ना मेरा 1-2 साल चला और मतलब टूट गया वो नीचे गिर के। तो ऐसे ही मैं कुछ और फिर दोबारा से बना रही हूँ, बहुत ही क्यूट लगता था वो। तो बस ये ट्रायंगल बना लेने हैं। बस इसका एक ध्यान रखना है कि एक लाइन पे आपने ना ऊपर को पॉइंट करते हुए बनाए हैं ट्रायंगल, अब हम इनको बनाएंगे उल्टे, मतलब नीचे को पॉइंट करते हुए। आप अपनी तरीके के कुछ और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको ना खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर फिल भी कर सकते हैं। हर तरीके के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में ना ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही क्यूट। थर्ड के लिए हमें क्या करना है कि मैंने थर्ड के लिए ये ले लिया है ग्रीन कलर। ऊपर का ये लगभग ना सारे के सारे जितने भी कुल्हड़ होते हैं उनका डिज़ाइन लगभग सबका सेम ही होता है। ऊपर चौड़ा सा जो पट्टा होता है उसमें मैंने ग्रीन कलर कर लिया है। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये जो नीचे ना पत्ती जैसा डिज़ाइन भी बना हुआ है ना कुल्हड़ पे, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं, और ये मेरे डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। तो शायद इसको देख के आप समझ ही रहे होंगे कि मेरे दिमाग में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है। अब नीचे कर लेती हूँ मैं ये रेड कलर। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी। ये खास करके बच्चों को ना बहुत पसंद आता है, तो मेरे बेटे को तो ये इतना पसंद आया ना कि उसने पहले ही इसकी बुकिंग कर ली। उसने बोला मम्मा ये तो मुझे ही चाहिए और अपने कमरे के लिए चाहिए, तो इसकी उसने पहले ही बुकिंग कर ली है। नहीं नहीं बट रुकिए, सिर्फ कलर करने से ये स्ट्रॉबेरी का इसमें बिल्कुल डिज़ाइन नहीं आएगा। थोड़ा सा एक और चीज़ हम इसमें करेंगे जिससे ये एग्जैक्ट बिल्कुल अच्छी सी स्ट्रॉबेरी लगेगी। बस उसके लिए करना क्या है कि अब ब्लैक कलर के ये छोटे छोटे से इसमें सीड बना देने हैं। एंड बस लग रहा है नहीं कितनी क्यूट सी स्ट्रॉबेरी। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इसका आइडिया भी ना मेरे बेटे ने मुझे दिया। उसने कहा कि मतलब इसकी भी बुकिंग करा ली, उसने कहा कि 2 मुझे चाहिए। तो ये सेकंड वाले के लिए उसने कहा कि मुझे चाहिए रेनबो। तो मेरे पास जितने भी कलर्स थे ना एक्रेलिक के, मैंने सोचा कि ये सारे के सारे कलर्स मैं यूज़ कर लूँ। येलो, रेड, पिंक, जो भी कलर्स आपके पास हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। पूरा बनने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है।
अगर आपके पास बहुत सारे कलर्स नहीं भी है ना, तो मिक्स एंड मैच करके भी आप बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि जो पिंक कलर है ना, वो पिंक कलर होता नहीं है पूरे बॉक्स में, तो रेड में थोड़ा सा वाइट मिला के मैंने ये पिंक कलर बना लिया, वाइट एंड लास्ट में ये ब्राउन। बट ये ब्राउन ना मतलब पता ही नहीं चल रहा कि ब्राउन कलर भी है, तो बाद में मैंने इसको ठीक करा और थोड़ा सा ऊपर ब्लैक कर लिया, फिर वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड लास्ट वाला जो ये है ना, फिफ्थ वाला, ये है मेरा मोस्ट फेवरेट। एंड ये कुल्हड़ भी देख सकते हैं आप, ये बहुत पहले से मैंने संभाला हुआ है। पहले एक्चुअली कुल्हड़ भी बड़े आते थे, प्राइस भी कम होता था, लेकिन लस्सी का आप देखो प्राइस भी बढ़ गया, कुल्हड़ का साइज भी कम हो गया। तो ये मैंने बहुत पहले से संभाल के रखा हुआ था और इसके लिए मैंने एक आइडिया अपने दिमाग में पहले से सोचा हुआ था। तो ये वाला आप पूरा देखना, मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। तो इसके लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, रैंडम सा ऐसे पैटर्न बनाने। इसके लिए मैंने कलर कुछ पेस्टल कलर कुछ डिफरेंट से चूज़ किए, डिफरेंट मतलब कलर्स नहीं है, मैंने मिक्स करके कुछ और ही मतलब कलर्स बनाए हैं। ऊपर तो सिंपल ग्रीन लगाया, नीचे ये मैंने ऑरेंज वाइट एंड ब्राउन मिक्स करके कलर बनाया है। तो बस आपको बड़े बड़े कुछ इस तरीके से रैंडम पैटर्न्स बना लेने हैं। अब ये बीच में मुझे करना था ऑफ वाइट, मतलब क्रीम कलर सा करना था, बट ये कुछ और ही बन गया। ये मैंने वाइट में हल्का सा येलो मिक्स किया है, बट फिर भी ये भी बहुत ही क्यूट लगा। एंड इसको बनाने के बाद ना मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो मतलब मैंने तिरंगा ही बना दिया, लगभग तिरंगा ही लग रहा है ये, तो बहुत क्यूट लग रहा था ये भी कलर करके। एंड जो ये पैटर्न मैं बना रही हूँ ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब इसके पॉट वगैरह आप देख रहे होंगे ना, तो आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएंगे ये, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बस अब सिंपली आपको क्या करना है कि ब्रश की मदद से ब्लैक कलर से आपको बना लेनी है छोटी छोटी पत्तियाँ। तो मतलब मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बनाया ना ये, मुझसे बहुत ही अच्छा बन गया। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन पैटर्न तो होता नहीं है ये कुल्हड़ में, तो ये इतना इजीली बन नहीं रहा था। तो कलर्स के आपको ज़्यादा मतलब थिक नहीं करना है, उसको रनी कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, तब ब्रश इसमें आसानी से चलता है, अदरवाइज इसमें ब्रश नहीं चलता, इतना अच्छा पैटर्न नहीं बनता। बट फिर भी अगर आप ब्रश में इतने कंफर्टेबल नहीं है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि जो ब्रश वाले पेन आते हैं या फिर जो मार्कर आता है ना परमानेंट वाला ब्लैक कलर का, उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी ये इजीली बन सकता है। बल्कि मैंने भी जो ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ था ना, लास्ट में मैंने मार्कर से ही इसको करेक्शन किया है इसका। एंड बाद में देखिए थोड़ा सा मेरा हाथ सेट हो गया, तो फिर ये आराम से बनने लगा। एंड बस इतना सा करने के बाद ही ये बहुत प्यारा लगता है। वीडियो बस यहीं पे ख़त्म नहीं है, लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इन पांच का मैंने पांच अलग अलग तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल किया है, बहुत ही क्यूट लगता है एंड बहुत ही यूज़फुल है। एंड लास्ट में एक चीज़ बच जाती है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, मैं हर बार करती तो हूँ बस स्टेप में बताना भूल जाती हूँ, लेकिन ये देखिए आपको इसमें क्लियर वार्निश कर देना है। अप्लाई वार्निश करने से क्या होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, मतलब एक तो वाटर प्रूफ हो जाएगा, इसके कलर्स भी खराब नहीं होंगे और इसमें शाइन भी आ जाएगी। तो बस वार्निश को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड ये है फाइनल रिवील, तो ये देखिए कितना क्यूट है। एक में मैंने रखा है स्पून, एक बाथरूम के लिए, एक किचन के लिए, एक मैंने यूज़ किया है ये स्ट्रॉबेरी वाला लिया मेरे बेटे ने, और ये है स्टार हमारा जिस पे मैंने लगाया है प्लांट कैक्टस का, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये। तो है ना ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्यूट कौन सा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।